ओम शांति। सभी का स्वागत करते हैं। आज हमारे लिए बहुत उमंग उत्साह का दिन है। उमंग उत्साह का दिन है ना। देखो जी, कितने सारे चेहरे खिले हुए हैं जो यहाँ बैठे हैं। हमारे अनीता दीदी जो भारत से पहुंचे हैं, उनके लिए तो सुबह का टाइम है। ने बहन ने अपना ज्ञान युग का त्याग करके हमारे सामने प्रेजेंट हुए हैं। ज्ञान युग का त्याग किया ना, उनके लिए तो मुरली टाइम होता है ना इस समय। बहन हमारे जो है वो बेलगम, वो जोन है, वहां पे वो सेवा देते हैं। वैसे तो वो बचपन से ही ज्ञान में है। वो भी कितना सौभाग्य की बात, यही जीवन देखी और कुछ जीवन देखी ही नहीं है ना। और वो भी 11 साल से इस ईश्वरीय सेवा में जुटे हुए हैं। बहन बहन जी की बहुत बहुत छोटी उम्र है, बहुत बहुत सारी विशेषताएं हैं। अनेक प्रकार के प्रोग्राम क्लासेस कराते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे कराते हैं, रिलेशनशिप के ऊपर, छोटी उम्र है रिलेशनशिप के ऊपर कराते हैं। और बहन की ये जो मुख्य विशेषता है स्ट्रेस के ऊपर, कि आज आप देखते हो कि भारत में भी कितना स्ट्रेस है, तो उनका जब लोगों के अंदर स्ट्रेस होता है तो उनकी दिल जाती है उनके प्रति, कैसे उन आत्माओं को स्ट्रेस से छुड़ाए, भगवान का अनुभव करावे और भगवान के नजदीक आवे। तो हम दिल से आज अनीता दीदी का वेलकम करते हैं। स्वागत बहन, शुरू कर दिए। थैंक यू दीदी, वेलकम। बहुत अच्छा लगा आज सब आप सबसे मिलके, और खास करके जो फॉरेन में इतनी अच्छी सी सेवाएं हमने देखी हैं। भले हम जाके वहां पे कुछ सेवा नहीं कर पाए, लेकिन शायद बाबा ने लॉकडाउन में ये भी सेवा, ये भी एक इच्छा पूरी कर दी। जैसे आपने कहा, ऑनलाइन में हम जुड़ सके, सबसे मिल सके। अभी ऐसे लगा कि सारा विश्व एक परिवार है, और ऐसा सौभाग्य हमारा बनाया, उसके लिए तो सबसे पहले मैं बाबा का धन्यवाद करूंगी, और दीदी आपका थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा। जो यहाँ पे रहे इस परिवार को भी वहां पे आपने जोड़ा। और हम यही आशा करेंगे कि हम ऐसे ही मिलते जुलते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे। अच्छा, तो फिर ये जो हमारा ब्राह्मण परिवार है, जो हम देखते हैं बाबा के हम सभी बच्चे हैं, तो खास करके आज के दिन हम सभी जुड़े हैं इस त्योहार के लिए, इस फेस्टिवल के लिए जिसे हम होली कहते हैं। न सिर्फ भारत में, पूरे विश्व भर में भी हम देख रहे हैं त्योहार बहुत ही खुशी से मनाया जाता है, क्योंकि बहुत ही अलग अलग रंगों का ये त्योहार है। तो रंग बिरंगा ये त्योहार है, न सिर्फ ये बाहर के रंगों को अपने जीवन में लाता, लेकिन साथ ही साथ खुशी का भी है। जैसे हम कह सकते हैं, ये खुशी है, शांति है और समृद्धि है, जो हवा में रंगों के द्वारा फैलती है और जाके हर एक के जीवन को महकाती है। तो ऐसे होली के त्योहार पे आज हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और न सिर्फ अलौकिक तरीके से, लेकिन कुछ न कुछ रमणीक तरीके से भी हम इस होली को सेलिब्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि एक्चुअली होली क्या है, होली का त्योहार क्यों आता है, क्यों हम इस फेस्टिवल को ऐसे मनाते हैं। न सिर्फ भारत में, लेकिन पूरे विश्व में भी हम देखते हैं किसी न किसी एंजॉयमेंट के तरीके से तो सही इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो क्या सिर्फ खुशी के लिए मनाया जाए, या फिर ये फेस्टिवल बना है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई रहस्य होगा। तो वैसे तो बाबा की मुरलियों में हम सुनते ही हैं, जो भगवान हमें सुनाता है पूरा ज्ञान का भंडार वो लुटा देता है, हर एक त्योहार के बारे में भी बताता है। तो ऐसे ही होली का बहुत ही सुंदर ये त्योहार, ये फेस्टिवल तो हमें कोई ना कोई एक मैसेज लेके आता है। तो एक्चुअली वो मैसेज क्या है, जैसे आप सबको पता होगा, हम सभी अपने घर पे रहते हैं, अपने सारे एक्टिविटीज करते हैं, और सुबह से हमारा जो शेड्यूल होता है वो स्टार्ट होता है। तो सुबह उठ नहीं पाते क्योंकि रात को थके रहते, तो इसलिए हम सभी अलार्म यूज करते हैं। तो वो अलार्म जो है, खास करके हमें इसीलिए यूज होता है ताकि हम उठ सके। तो उसका जो साउंड बजता है, वो साउंड हमें अवेयर करता है कि नहीं, अभी वक्त हो चुका है, हमें अभी जगना चाहिए।
तो ऐसे ही ये जो त्योहार हैं, जो फेस्टिवल हैं, ये भी हमारे लिए अलार्म की तरह ही है जो भगवान ने हमें हमारे लिए सेट कराया है। क्योंकि हम इस कलयुग में रहते, इस कलयुगी पुरानी दुनिया के रीति रिवाज रस्म, यहाँ के जो बिलीफ सिस्टम है, इसमें जीते जीते हम ऐसे बन चुके हैं कि हमने सारे नेगेटिविटी को ऐसे अपना लिया जैसे कि यही हमारे ओरिजिनल वैल्यूज है, यही हमारे कोर वैल्यूज है, और शायद यही जीने का तरीका है। थोड़ा गुस्सा करे, थोड़ी सी नफरत है, थोड़ी सी रीस है, थोड़ा सा कंपटीशन है, तो ये सारी चीजें हमें लगा कि जीवन में ये तो सारी चीजें कॉमन है, तो चलती रहती है। तो इसी के साथ हमने अपने जीवन को जीना शुरू किया और हमें अभी ऐसे लगा कि यही हमारा रियल लाइफ है, लेकिन ये हमारा रियल था ही नहीं। तो हमारा जो रियल लाइफ है वो तो कुछ और ही था। तो उसी के अवेयरनेस को बताने के लिए खास करके हम देखते हैं कि ये फेस्टिवल अभी हमारे सामने है। तो जब अलार्म बजता है तो उसमें भी सिस्टम हमारे पास ऐसा होता है कि हम उसे चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं, तो टर्न ऑफ भी कर सकते हैं, या तो फिर बजता छोड़ सकते हैं। तो उसमें भी खास हम देखते हैं तीन स्टेप्स आएंगे, तीन ऑप्शंस आएंगे हमारे पास। तो एक अलार्म बजता है तो बजता ही रहता है, बजता ही रहता है, हम उठते ही नहीं है, क्योंकि हम इतने घोर नींद में रहते हैं, इतनी गहरी नींद में रहते हैं कि हमें अलार्म का साउंड सुनाई नहीं देता है, और वो बज बज के फिर अपने ही टाइम के हिसाब से खत्म हो जाता है। कि जैसे हमने अलार्म के लिए खास हमने ये चीज कही कि एक तो अलार्म बजता रहता है, हम उसे बंद भी नहीं करते, ऑफ भी नहीं करते, लेकिन हम बस सोए रहते हैं, ये एक स्टेज है। और दूसरा स्टेज ये होता है कि अलार्म बजेगा और हम उठ जाएंगे, और उठने के बाद अलार्म हम बंद कर देंगे और उठ के अपने एक्टिविटीज में लग जाएंगे। तो ये दूसरा स्टेप होगा। ऐसे ही तीसरा हम देखते हैं, हमें आदत ऐसी पड़ गई उठने की अभी कि हमें अलार्म की जरूरत ही नहीं है, तो ये और एक स्टेज है। तो इन तीन स्टेज में ये फेस्टिवल कैसे आ रहा है, तो ये होली कैसे हमें अलार्म की तरह यूज होती है, तो हमने देखा था इसके पहले भी एक अवेयरनेस के लिए हमने सेलिब्रेट किया महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि भी एक अलार्म ही था ताकि हम अवेयर हो सके, हमारे अंदर के जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं उनको बढ़ा सके और नेगेटिविटी को खत्म कर सके। तो वो अलार्म खत्म होते ही फिर अभी सेकेंड है जो होली का है। तो होली के इस अलार्म में खास हमें क्या मैसेज दिया जा रहा है, तो यहाँ पे भी अलार्म में या तो हम इस अलार्म को सुने और वो बजता रहे, हम सेलिब्रेट करते रहे, रंग लगाते रहे, मिठाई खाते रहे, तो बस इतना ही सेलिब्रेट करके छोड़ दे, ये पहला स्टेप है। दूसरा, जहां पे हम अलार्म में जगते हैं, अवेयर होते हैं, यानी ये त्योहार आया, हमने इससे कुछ सीखा अपने लाइफ में, टेम्पररी ही सही, उस एक दिन के लिए, दो दिन के लिए या चार दिन के लिए ही सही, हमने उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, तो ये दूसरा स्टेज है। और तीसरा, जब अलार्म है तो वहां पे उसे सेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि रोज उठ उठ के हमें आदत ही ऐसी पड़ गई कि अभी हमें अलार्म रखने की जरूरत नहीं है। उसी टाइम पे हमारी आंखें खुल जाती हैं, हम जग जाते हैं, सदा हम अवेयर रहते हैं। तो ये स्टेज है थर्ड, जहां पे त्योहार आए या ना आए, हम सेलिब्रेट करें या ना करें, टाइम ऐसा हो या ना हो, लेकिन हम सदा अवेयर रहेंगे, वो फेस्टिवल जो हमें मैसेज देगा, जो एनर्जी देगी, उस एनर्जी को सदा, न सिर्फ एक दिन के लिए लेकिन हर दिन के लिए 24/7 हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। तो अभी आप खुद सोचिए कि हम इन तीन स्टेजेस के जो अलार्म हैं, इसमें से हम खुद को कौन सा अप्लाई करना ठीक समझेंगे, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। पहला वो जो हमने अलार्म सुनाई नहीं, वो बजता रहा और खुद बंद हो गया, त्योहार आया भी और चला भी गया। या फिर दूसरा वो कि उस एक दिन के लिए हम जगे, हमने थोड़ा बहुत कुछ पॉजिटिव एनर्जी ली, फिर उसके बाद हम भूल गए, एज इट इज अपने लाइफ में लग गए।
या फिर तीसरा वो जहां पे हमें त्योहार की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन हर दिन हम पॉजिटिव एनर्जी में खुद को अवेयर रख सकते हैं। तो इसमें से कौन सा लाम आपको पसंद है? ओके, तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए बाबा ने शायद आप सभी को डबल पुरुषार्थी, डबल तीव्र पुरुषार्थी कहा है ना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये जो थर्ड है, जो हम चाहते हैं कि हर पल हम अपने लाइफ में इन चीजों को धारण कर सके, लेकिन धारणा करनी किस बात की है, कौन सी बात को हम धारणा करना चाहेंगे, तो आखिर ये त्योहार हमें क्या क्या मैसेज देगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम होली को सेलिब्रेट करते, खास करके आपने देखा होगा भारत में एक एक अलग अलग रिवाज से यहाँ पे मनाया जाता है, तो आपने देखा होगा यहाँ पे तीन कैरेक्टर्स आते हैं होली के जो रहस्य में हम देखते हैं, या फिर होली की जो कहानी हम सुनते हैं उसमें खास करके तीन कैरेक्टर्स आते हैं। तो सबसे पहले आता है हिरण्यकश्यप, और दूसरा जो आता है वो है प्रहलाद, और तीसरी जो कैरेक्टर है वो है होलिका। तो ये तीन कैरेक्टर्स आते हैं जो हम शास्त्रों में पढ़ते या फिर हमने बचपन से इन बातों को सुना है। तो आपने देखा होगा जो सबसे पहला है, जो कि हमने सुना था, जो कौन है, हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप की जो कहानी हम सुनते हैं उसके कैरेक्टर को आपने देखा होगा कैसे दर्शाया गया है। वहां पे ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, ना संबंध की कमी है, ना संपत्ति की कमी है, किसी भी चीज की कमी नहीं, वो बहुत ही स्ट्रांग है, पावरफुल है। और दूसरा जो कैरेक्टर दिखाते हैं प्रहलाद का, एक छोटे बच्चे का दिखाते हैं, और तीसरा होली का, एक स्त्री का दिखाते हैं। तो ये तीनों कैरेक्टर एक्चुअली है क्या? ये तीनों कैरेक्टर हम जो आत्मा है, हम जो सोल है, हम सोल के तीन कैरेक्टर को यहाँ पे दिखाया जाता है। तो हम ही हिरण्यकश्यप भी हैं, हम ही प्रहलाद भी बनते, और हम ही होलिका बनते, तीन अलग अलग सिचुएशंस में। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिरण्यकश्यप क्या होता है। तो आपने देखा होगा हिरण्यकश्यप, तो कश्यप जो होता है इसका अर्थ निकलता है कुशन, यानी जो बहुत ही सॉफ्ट आरामदायी होता है, जहां पे हम रिलैक्स कर सकते हैं, एकदम सॉफ्ट कुशन जो होता है उसे कश्यप कहा जाता है। और उसके बाद हिरण्य माना क्या है, तो इसका अर्थ है सोना, तो एक सोना है और एक कुशन। तो फिर इसका मतलब क्या है, तो ऐसा नाम क्यों दे दिया है कैरेक्टर को? एक्चुअली इसका मतलब ये कि हम इंसान, हम अपने लाइफ में इतने इजी, इतने आराम से रहना पसंद करते हैं, हमें अभी लाइफ में ना संपत्ति की कमी है, ना संबंधों की कमी है, ना कोई पावर की कमी है, तो हमारे पास पोस्ट, पोजीशन, डेजिग्नेशन है, हर एक चीज है हमारे पास। तो हर एक चीज के आरामदायी कुशन पे हम बैठे, एनर्जीज है वो तो है ही है। यानी हमें लगा कि अगर हमारे पास धन संपत्ति है, अगर हमारे पास हेल्थ है, अगर हमारे पास संबंध ही है, तो काफी है, हम सबसे पावरफुल हैं इस दुनिया में। लेकिन समय, परिस्थिति, और खास करके हमने देखा 2 साल का जो लॉकडाउन चला, इसने यही दिखाया कि जो यहां से स्ट्रांग है, जो यहां से पावरफुल है, वो सबसे पावरफुल इंसान है इस दुनिया में। सोना, धन संपत्ति, संबंध कुछ काम नहीं आएंगे, ना हेल्थ काम आया, तो सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा विल पावर। तो ये हिरण्यकश्यप का कैरेक्टर है जो हम सबके अंदर ऐसे बैठ गया है, हमने फेक आइडेंटिटी को खुद का अपना आइडेंटिटी बना दिया। और दूसरा जो कैरेक्टर है वो है प्रहलाद का। तो प्रहलाद का मतलब क्या है? प्रहलाद मतलब प्रभु की औलाद, परमात्मा की औलाद, भगवान की संतान जो है। इसलिए आपने देखा होगा छोटे बच्चे के रूप में वहां पे प्रहलाद को दिखाया जाता है। तो हम भले कितने भी बड़े हो जाए, भले हमारे शरीर की आयु 60-70 की क्यों ना हो जाए, लेकिन जो आत्मा है वो आत्मा सदा ही उस परमात्मा की संतान ही रहेगी। तो ये प्रहलाद का कैरेक्टर है जो कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं है। जब हम दुखी होते हैं तो उस भगवान के सामने जब हम जाते और जब हम भगवान के सामने प्रे करते हैं, उनको याद करते, तब हम खुद क्या बन जाते हैं, तब हम खुद क्या बन जाते हैं, एक छोटा बच्चा ही तो बनते हैं।
तो प्रहलाद का कैरेक्टर भी हम सबके अंदर है। और तीसरा कैरेक्टर जैसे हमने देखा कौन सा था, होलिका। तो होलिका का आपने देखा होगा और आजकल तो हम मोबाइल्स में भी देख रहे हैं जो फोटोज यहाँ पे सारे हमें मिलते हैं, आपने देखा होगा अग्नि जल रही है और उस अग्नि के अंदर एक स्त्री है, वो एक बच्चे को लेके बैठी है, दिखाते हैं ना, तो यही होलिका है। तो होलिका का कैरेक्टर क्या दिखाया गया है शास्त्रों में, होलिका एक ऐसी स्त्री है जिसे अपने अंदर की जो पावर्स हैं उसमें जो प्लस है माइनस है मेरिट है डिमेरिट है कुछ पता नहीं था, उसे खुद के ऊपर इतना ईगो था, इतना घमंड था, यानी उसे लगा था अग्नि मुझे कभी नहीं जला सकती, अग्नि मुझे कभी नहीं जला सकती, ये उसके अंदर था, यानी कोई चीज मुझे हरा नहीं सकती, अग्नि नहीं जला सकती मतलब मैं तो विजयी हूं। तो इसके कारण से उस प्रहलाद को खत्म करने के लिए वो उस बच्चे को लेकर के अग्नि में बैठती है ताकि वो जल जाए और ये इसे तो अग्नि कुछ करेगी नहीं, ये तो ये बच जाएगी, लेकिन वहां पे दिखाया गया कि वो खुद जल गई, यानी किसी और को जलाने के लिए गई लेकिन खुद जल गई। तो ये कौन सा कैरेक्टर है, कभी कभी हम सबके अंदर, हर दिन तो नहीं लेकिन शायद कभी ना कभी आता है, हम कभी कभी खुद आगे बढ़ने के लिए किसी और के पैर पीछे खींच लेते हैं, खुद के अच्छाई के लिए दूसरों का कभी कभी बुरा कर ही देते हैं, भले हम बाहर से ना करें लेकिन अंदर से थॉट में तो कर ही लेते हैं, उतना तो डैमेज हम इमोशनली किसी और को कर ही देते हैं। तो ये होलिका का कैरेक्टर है जो कि औरों को डैमेज हम करने के लिए भले कितनी भी कोशिश करें लेकिन जब हमारा इंटेंशन ही रॉन्ग है तो वो नेगेटिव एनर्जी खुद हमें ले डूबेगी, हम जल जाएंगे न कि सामने वाला जलेगा। तो ये होलिका का कैरेक्टर है। तो ये सारे कैरेक्टर हम सबके अंदर है। तो अभी मुझे देखना है कि मुझे क्या बनना है, ना मुझे हिरण्यकश्यप बनना है और ना मुझे होलिका बनना है, लेकिन मुझे क्या बनना है, प्रहलाद बनना है, यानी प्रभु की औलाद। तो बनना है या आप सभी ऑलरेडी हैं, है? अच्छा, आपके चेहरों से तो वही दिख रहा है कि आप सभी तो बाबा के बच्चे, उस भगवान के प्रभु के औलाद है ही है। तो इसीलिए हमने देखा उसे भगवान पे इतना निश्चय था कि उसने प्यार से कहा कि मेरा भगवान तो यही है, तो पत्थर में भी दिख गया, पत्थर तोड़ने के बाद भी। फिर उसके बाद एक पिल्लर था वहां पे उसी के पिता के महल का, तो उसने कहा इसमें भी मेरा भगवान है, तो पिल्लर तोड़ा तो दिखाते हैं वहां से भी भगवान प्रत्यक्ष हुआ। तो इसका मतलब क्या है, हम ऐसे बच्चे हैं जो हम भगवान को, परमात्मा को, अपने प्यारे शिव बाबा को सदा अपने साथ रखते। अगर हम कहें बाबा यहीं पे है तो वहां पे वो होता ही है, अगर हमें इतना निश्चय है तो। तो ये तीन कैरेक्टर हैं होलिका के जो कि हमारे हैं। तो अभी हम सेलिब्रेट करते हैं, तो किस किस टाइप में सेलिब्रेट करते हैं बताएंगे कोई, क्या क्या करते हैं हम होली के त्योहार के दिन? अच्छा, स्वीट एक्सचेंज करते हैं, प्रेयर करते हैं, अच्छा अग्नि जलाते हैं, है ना। तो देखिए कितने सुंदर हमारे यहाँ पे रीति रिवाज बने हुए हैं। अच्छा, ईटिंग डेट्स, अच्छा यानी मीठी कोई चीज हम खाते हैं, अच्छा एक्सचेंज कलर्स, अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि हम देखते होली के दिन सबसे पहले जो प्रोसेस आता है तो वो आता है पहला स्टेप होलिका दहन, होलिका दहन। तो होलिका दहन माना क्या करते हैं, रात के टाइम पे हम अग्नि जलाते हैं, रात के टाइम अग्नि जलाते फिर अपने पास जो भी पुरानी चीजें हैं उस सब हम उसमें फेंक देते हैं, उसमें डालते हैं, उसमें हम स्वाहा करते हैं, यानी पुरानी चीजों को जलाते, अच्छी चीजों को नहीं जलाते, पुरानी चीजों को जलाया जाता है। तो ये किसका सिंबल है, तो कौन सी अग्नि है और कौन सी पुरानी चीजें हैं? तो ये अग्नि है मेडिटेशन की अग्नि, जिसे हम योग अग्नि कहते हैं, जहां पे हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। इस अग्नि को जब हम अपने अंदर जलाते हैं, यानी आत्मा के अंदर जलाते हैं, तो हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो उसमें स्वाहा हो जाती है, वो उसमें जल के खत्म हो जाती है। तो ये उस दहन का यादगार है जो होली का दहन कहा जाता है, और खास करके हम देखते हैं रात के टाइम पे ही ये दहन होता है। तो रात के टाइम पे ही क्यों, क्योंकि ये
कलयुग का सिंबल लिखे, तो कलयुग का जो घोर अंधकार है जहां पे हमारे पास अवेयरनेस है ही नहीं, आंखें रहते भी हम अंधे हैं क्योंकि हमारे पास नॉलेज है ही नहीं, तो इसके लिए कहा गया ये रात्रि के टाइम ही जलाया जाता है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा दूसरा जो है हम कलर एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को ना कलर लगाते, तो कितना प्यारा त्योहार है, कितना अच्छा लगता है जब हर कोई जो जिसका जैसा चेहरा है ना वो दिखता ही नहीं, सब एक बन जाते हैं। भले हम हर दिन देखने में अलग अलग दिखते लेकिन जिस दिन त्योहार है ना सबको देखो सब एक जैसे ही दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि सबके ऊपर एक की तरह ही, बिल्कुल एक के तरह ही कलर लगे हुए हैं, सेम कलर हर एक के चेहरे पे, तो सब एक हो जाते हैं। कितना सुंदर त्योहार और कलरफुल भी है। तो खास करके ये जो रंग है, ये जो कलर्स हैं, ये कौन से कलर है, ये कौन से कलर है जो हम एक्सचेंज करते हैं? तो सिर्फ दिखने वाले कलर नहीं, अलग अलग वैरायटी कलर दिखाते हैं। एक्चुअली ये सारे जो कलर हैं ये है हमारे अंदर के ओरिजिनल कलर्स, जो आत्मा है ना, आत्मा के अंदर भी 7 ओरिजिनल कलर्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम कहते हैं ज्ञान है, फिर उसके बाद है पवित्रता, फिर है शांति, फिर है प्रेम, फिर है सुख, फिर है आनंद, और 7वां है शक्ति, पावर, है ना। तो ये 7 रंग जो है ये एक्चुअली हम सब आत्मा में जो ओरिजिनल कलर है, लेकिन जैसे हम इस लाइफ में आते गए और इस ओरिजिनलिटी को हम भूल गए तो हमें क्या लगा, गुस्सा करना ये मेरा नेचर है, ये मेरा ओरिजिनल कलर है, किसी को डांटना ये मेरा ओरिजिनल कलर है। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो मुझे तो दुखी होना था नहीं, लेकिन मैं दुखी हो गई क्योंकि उसने बुरा तो कहा ना, तो मन तो दुखेगा ही, दर्द हुआ तो मुझे लगा दर्द होना भी क्या है, ये भी मेरा ओरिजिनल कलर है। कभी रो पड़ते हैं, आंखों में से आंसू आता है, तो हम समझते हैं ये भी ओरिजिनल कलर है क्योंकि ये तो होना ही है। इसे हमने ओरिजिनल कलर जब मान लिया तो जो भगवान ने हमें ओरिजिनल कलर दिए थे वो तो सारे खत्म हो गए, वो तो हम भूल ही गए। तो अभी हमें याद करना है कि ये हमारे ओरिजिनल कलर है और इस ओरिजिनल कलर को ही हमें दूसरों पे लगाना है। आपने देखा होगा ना जब होली खेलते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं, बुराना मानो भाई, होली है भाई, होली है, कहते हैं ना, बिल्कुल बुरा नहीं माना क्योंकि होली है, तो इसलिए हम रंग लगाएंगे ही लगाएंगे, कहते हैं ना। और जब रंग लगाने के लिए जाते हैं तो आप सबने भी होली खेला होगा, दोनों मुट्ठी में ना सारे रंग भर के ले जाते हैं, मुट्ठी भर के ले जाते हैं, और कोई और मुझे पहले लगाए उसके पहले मुझे औरों को लगाना है, उनके रंग मुझ पे चढ़े उसके पहले मेरे रंग उन पे चढ़ने चाहिए, कोशिश करते हैं ना अपने रंग लगाने के लिए। तो एक्चुअली कौन से रंग हैं, अपने जो प्योर या फिर जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं ये हमारे ओरिजिनल रंग, ये हमें उन पे लगाने हैं, लेकिन हम होली पे उतना ही इसकी प्रैक्टिस करते हैं, वो जो स्थूल रंग है ना, पाउडर जो रंग होता है, पाउडर कलर जो होता है, उतना ही हम औरों को लगाते हैं। और बाकी के डेली रूटीन में जब होली नहीं कुछ नहीं हम अपनी लाइफ में है तब क्या करते हैं, नहीं सामने वाला गुस्सा करता है ना वो उसका कलर है तो तुरंत हम उसे ले लेते हैं, उसने अभी गुस्सा किया नहीं किया और रंग मुझ पे आ गया, मैंने भी गुस्सा करना स्टार्ट किया, वो चिल्ला रहा है सुनते ही उसका रंग मेरे ऊपर इफेक्ट कर गया तो मैंने भी चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। वो अपनी नेगेटिव एनर्जी में है, नेगेटिव ओरा में है, उसके साथ रहते रहते हमने भी वही लेना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे हमने खुद के अंदर के जो ओरिजिनल पावर्स हैं, जो ओरिजिनल रंग है, क्या हमने उनके ऊपर अप्लाई किया सबसे पहले? नहीं, हम सिर्फ वहां पे होली के मैदान में उतना ही बोलते हैं कि मेरे रंग उन पे चढ़े, लेकिन रियल लाइफ में दूसरों के रंग हम खुद के ऊपर चढ़ाते हैं। लेकिन आज से प्रॉमिस कीजिए, पक्का प्रॉमिस, क्या आज के बाद हमारे जो ओरिजिनल रंग है वो हम दूसरों पे चढ़ाएंगे, न कि किसी और का खुद पे लेंगे। पक्का? पक्का? ओके,
तो फिर उसमें भी कलर्स कौन से हैं जो हमें औरों पे चढ़ाने, तो उसके लिए सबसे पहला जो कलर आता है वो है कलर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो समझने का रंग है, सबसे पहला रंग है। अगर ये आ गया ना तो लाइफ के सारे रंग भी हमारे लाइफ में आ जाते। सबसे पहले समझो कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्वेश्चन नहीं, सामने वाला मेरे ही साथ ऐसे क्यों करता है, मेरे ही साथ इनके बातचीत ऐसे क्यों है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों है। बाहर वालों के साथ तो बड़े खुशी से बात करते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, लेकिन मेरे साथ ही क्यों, एक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं। अभी उस क्वेश्चन को बदले और पक्का करें कि ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ये सोल भी पता नहीं कितने सारे जन्मों से पास होके यहाँ पे आई है, पता नहीं कैसे कैसे रंग लेके आई है, क्योंकि हर एक सोल पे क्या है, अलग अलग कैरेक्टर के, अलग अलग स्वभाव संस्कार के, अलग अलग नेचर के वैरायटी कलर्स हैं। तो सारे कलर्स लेके आई है और वही कलर्स हमारे ऊपर उनका हावी हो रहा है, प्रभाव डाल रहा है। तो ये सोचो कि वो ऐसे अपने स्वभाव संस्कार में फंसी है, वो खुद नहीं निकल पा रही, वो खुद ऐसे दर्द में है कि वो खुद चाह के भी उससे उभर नहीं पा रही, तो वो मुझे सुख कैसे दे सकती है। तो उसके अंदर वैसा रंग है दर्द का, नेगेटिव एनर्जी का, तो उससे वही निकलेगा ना, तो मुझ पे क्यों निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर वही चीज है। अगर ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया तो क्यों, क्या, कैसे, ये सारे क्वेश्चंस वहीं पे खत्म होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कलर ऑफ एक्सेप्टेंस। हम उनको ना स्वीकार करना स्टार्ट करते, जैसे भी है तो अभी इस जन्म में हमारे ही रिलेटिव हैं, अपने ही तो हैं। तो जैसे मेरे अलग अलग संस्कार वैसे उनके अलग संस्कार, लेकिन बस मेरे संस्कारों को उन पे डालना है, ना कि उनके संस्कारों को मुझ पे। तो आपको क्वेश्चन आएगा ना, हमारे ही क्यों उन पे डाले, उनका क्यों हमारे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि होलिका दहन हमने किया है, हमने अपने अंदर के नेगेटिविटी को जलाया है। तो हमने जलाया तो अभी मेरे अंदर बचा क्या, मेरे अंदर बचा सिर्फ प्योर पॉजिटिव कलर्स। तो यही बचे तो यही मुझे औरों पे लगाना है, खुद पे बिल्कुल भी लेना नहीं है। तो ये होता है अपने रंगों को उन पे लगाना। जब हमारी लाइफ इतनी रंगीन हो जाती है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी से भर जाती है, तब ऑटोमेटिक हमारे मुंह से निकलने वाले बोल कैसे होंगे, कैसे होंगे, मीठी निकलेंगी ना, मीठे बोल निकलेंगे। किसी को भी बोले तो मीठे बोल से ही बोलेंगे। तो इसीलिए हम देखते हैं होली पे सबका मुंह मीठा कराया जाता है, वैरायटी मिठाई खिलाई जाती है, स्वीट खिलाई जाती है। तो एक्चुअली सिर्फ वो स्वीट नहीं, वो तो कुछ टाइम के लिए रहेगा फिर चला जाएगा, ये है हमारे बोल की मिठास। क्योंकि हम आत्मा ही मीठी बन गई, मधुर बन गई, स्वीट बन गई, तो जैसे बाबा कहते ना मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन, तो वैसे हमारे बोल भी क्या हो जाएंगे, मीठे। और जब हमारी लाइफ सारी मीठी हो गई, बोल मीठे हो गए, हमारे कर्म, हमारे वाइब्रेशन सब मीठे हो गए, तो क्या है चौथा जो है, खास करके हम देखते हैं होली पे करते हैं, भांग पीते हैं। आप सबको पता होगा भांग किसे कहा जाता है। भांग ऐसी चीज होती है जो पीने से नशा चढ़ता है, खास करके होली के दिन पे उसे पिलाया जाता है, लोग पीते हैं। एक्चुअली ये कौन सा भांग है, नशे वाला, यानी अपनी सोल कॉन्शियस के नशे में, प्योर एनर्जी के नशे में रहने वाले, जिसे कहते हैं अतींद्रिय सुख। इस इंद्रियों से जो हमें सुख मिलता है वो सुख नहीं, इनसे जो परे है। जब हमारी लाइफ ही ऐसी बन गई तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हम इसी नशे में रहेंगे और यही नशा हम औरों को भी चढ़ाएंगे, औरों को भी हम यही पिलाएंगे। तो ये है एक्चुअली होली। तो ये होली कैसी, जैसे हम स्पेलिंग देखते हैं ना, होली का स्पेलिंग क्या आता है, एच ओ एल, एल के बाद आई आता है या वाई आता है, क्या आता है, जो आई कहने वाले हैं वो ऐसे करें उंगली, होली में एच ओ एल आई, अच्छा ओके। और जो वाई कहने वाले हैं वो अभी हाथ उठाए, अच्छा
तो बाहर की दुनिया में हम क्या देखते हैं, वहां पे क्या बताया जाता है, HOLI। लेकिन ये कब है, जब हम सिर्फ बाहर के स्थूल रंगों से होली खेलते हैं ना, तब ये HOLI वाली होली हो जाती है। लेकिन हम जब अभी जैसे हमने सुना, अपने अंदर के पॉजिटिव एनर्जी को जब हम औरों को लगाते हैं, तो ये होली हमारी कौन सी बन जाती है, HOLY, क्योंकि कोई नेगेटिविटी हमारे अंदर बची ही नहीं, हम आत्मा भी बिल्कुल प्योर हो गई और सामने वाले के साथ भी हमारे व्यवहार ऐसे ही प्यारे बन गए, प्योर बन गए, वही प्योर वाइब्रेशंस, वही प्योर ऑरा हमारा बन गया। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी हमारी जो लाइफ है, होली। तो होली का भी 3 मतलब निकलता है यहाँ पे, है ना, जो कि बाबा ने इतने सुंदर हमें मतलब सुनाए। तो कौन सी, होली, जो पास्ट का होना था ना वो हो गया, अभी पास्ट का कुछ भी मत सोचो, अभी इस मोमेंट तक, इस पल तक भी जो कुछ भी हुआ वो हो गया, ना हम बदल सकते हैं ना कुछ हो सकता है, बस जो सीखना था सीख लिया, अभी खत्म, ये होली। फिर दूसरी जो होली है वो कौन सी होली है, मैं आत्मा उस परमात्मा की हो गई, उस परमात्मा की होली। तो जब हमने पास्ट को छोड़ा तो प्रेजेंट में किसको अपनाया, उस भगवान को, तो उसको अपनाया तो उसके रंग फिर मुझ पे गिरना स्टार्ट होते हैं। और दुनिया में सबसे अच्छे रंग किसके हैं, सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी किसके पास है, उस भगवान के पास ही तो है। तो जब मैं उसकी होली तो वो मुझे अपने रंग में रंगे बिना छोड़ेगा, तो ऑटोमेटिक उसके सारे रंग फिर मेरे हो जाते हैं। और भगवान इतने रंगों से, इतनी पॉजिटिव एनर्जी से हमें भर देता है कि हम इतने ज्यादा भर जाते हैं कि वो सिर्फ हमारे तक नहीं रहता है, फिर वो एनर्जी क्या हो जाती है, वो रंग क्या हो जाते हैं, फिर औरों में भी फैलना स्टार्ट होता है, औरों तक पहुंचना स्टार्ट होता है। और उसके बाद तीसरी जो होली है वो होली है HOLY, यानी प्योर बन जाते हैं हम, पवित्र बन जाते हैं। और जब बिल्कुल पवित्र बन गए तो वहीं से होती है आगे की एकदम खुशहाल लाइफ की जर्नी की जो शुरुआत है, वहीं से होती है। तो इसीलिए हमें सिर्फ होली मनाना नहीं है, हमें होली बनना है। और होली का जो त्योहार है सिर्फ मनाने तक का नहीं, लेकिन उसका स्वरूप हमें बनना है, उस होली को अपने लाइफ में ऐसे लाना है कि जैसे कि होली का फेस्टिवल हम मना नहीं रहे, लेकिन होली का फेस्टिवल हम जी रहे हैं। तो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं जीना, एक दिन का अलार्म नहीं, ना 4 दिन का अलार्म, लेकिन ये अलार्म होगा फॉरएवर, सदा के लिए रहेगा। तो हम सदा के लिए इस होली को जिएंगे, और किसके साथ, बाबा के रंगों के साथ, उस परमात्मा के रंग के साथ। तो इसीलिए आज से हम पक्का करते हैं, हम यही दृढ़ संकल्प करते हैं कि आज से हमारे जो रंग है वो हम औरों पे लगाएंगे, लेकिन रंग पे कौन से, ओरिजिनल रंग, प्योर पॉजिटिव एनर्जी के रंग हम औरों पे लगाएंगे, ना औरों के रंग खुद पे लेंगे। और ये रंग लेने से पहले हम उससे कनेक्ट होंगे, उससे हम लेंगे, खुद को सजाएंगे, फिर यही रंगों को हम औरों में भी बांटेंगे। तो आप सब जो बाबा के बच्चे हैं या फिर जो बनने वाले हैं, तो आप सब को इस होली का, इस होली के त्योहार के बहुत सारी शुभकामनाएं।